हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आकाश विजयन। आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि जो इथियोपिया में एक रीजन है टिग्रे रीजन, जो इथियोपिया के नॉर्थन पार्ट में पड़ता है टिग्रे रीजन, उसकी एक लोकल बॉडी, एक लोकल फोर्स या फिर आप एक लोकल आप कह सकते हैं एक फोर्स कह सकते हैं, पोलिटिकल पार्टी भी कह सकते हैं इसको, जिसका अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इथियोपिया की गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है इसने अभी इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट किया है अभी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जो आपके यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ ना कुछ बोला है। ठीक है, उन्होंने भी अपनी कंसर्न जताई है और इसका असर कहीं ना कहीं हम लोग जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर पड़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि आपको इथियोपिया पता है कहाँ का हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्लैशेस हो क्यों रहे हैं, क्या इसके कुछ रीजंस हैं और कैसे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले आप ये आर्टिकल देख लीजिए, इथियोपिया स्पाइरलिंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रेटन्स रीजनल स्टेबिलिटी। इसमें साफ साफ देखिए, आप इसमें भी यही बताया हुआ है कि जो इथियोपिया के कॉन्फ्लिक्ट है, जो इथियोपिया के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली थोड़ा ना थोड़ा असर तो जरूर जो रीजनल स्टेबिलिटी उस पर जरूर पड़ेगा। और कौन से रीजन की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं आपको पता ही है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज याद रखने की, SEED सीड। ठीक है, S फॉर सोमालिया, E फॉर इथियोपिया, देन E फॉर एरिट्रिया एंड D फॉर जिबोटी। ठीक है, तो ऐसे आप ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज को आप याद रख सकते हैं। जिस ट्वीट के बारे में मैंने आपको बताया कि एंटोनियो गुटेरेस जी ने इसके बारे में भी कुछ बोला है, तो उसमें ये वो ट्वीट है, इसको आप देख लीजिए। इसमें वो यही बोल रहे हैं कि वो जो टिग्रे रीजन में जो अभी स्थिति जो है उसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और वो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो डिस्प्यूट है इनको सॉल्व करा जाए ताकि पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शांति बनी रहे। तो अब एक बार बैकग्राउंड कर लेते हैं कि आखिरकार है क्या, एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा थोरली कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो इथियोपिया जो है वो बिल्कुल सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध की कगार पर आकर खड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है अभी अहमद, आपने का नाम जरूर सुना होगा, इनको लास्ट ईयर नोबल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इथियोपिया के जो संबंध एरिट्रिया के साथ थे उनमें शांति की स्थापना की थी, जो रिलेशंस थे उनको नॉर्मल किया था, उनको नॉर्मलाइज किया था। ठीक है, इसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। अब देखिए, हमने इनका नाम पहले जब न्यूज़ में सुना था तब इनका नाम हमने पीस के लिए सुना, अब जब इनका नाम न्यूज़ में सुन रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की सुन रहे हैं। ठीक है, तो एक बार को तो किसी को विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि ये वही अभी अहमद है जिनके बारे में हमने एक दो साल पहले सुना था। ठीक है, तो फिर अब ये है क्या, क्योंकि इसमें TPLF एक जो आपकी पार्टी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो टिग्रे में है, जो टिग्रे रीजन में बेस्ड है, उसके अगेंस्ट में जो प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद है, इन्होंने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिए हैं कि वो जाकर उन पर अटैक करें। ठीक है, उनको बलपूर्वक उनसे जो है डील करें। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊँ तो जो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है ना इथियोपिया में, ये कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ अकेला यही इश्यू हो। पिछले कई आप कह सकते हैं महीनों से हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो एक कंट्री है रीजन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में जो एक कंट्री है इथियोपिया, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये अंदेशा है कि ये जब इश्यूज मर्ज हो जाएंगे तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सासर्बेट हो जाएंगे एंड देन ये यही सबको डर है कि ये जो इशू है ये कहीं ना कहीं फैल के पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पीस एंड स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उन इशूज़ के बारे में आपको बताऊँगा ज़रूर। सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए कि मैप में है कहाँ पे। जैसे आप यहाँ इंडिया की तरफ से आएंगे तो आप अरेबियन सी को पार करते हो, जब अफ्रीका में आएंगे तो अफ्रीका में आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी, SEED है ना, सीड होगी ना, फिर SEED सीड। तो S फॉर सोमालिया, E फॉर इथियोपिया, देन E फॉर एरिट्रिया एंड देन जिबोटी। ठीक है, तो एक बार आप पहले इथियोपिया का देख लीजिए कि किस किस के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, देन आपका किस के करता है, पहले आपका सूडान, देन साउथ सूडान, देन सोमालिया, जिबोटी, एरिट्रिया। ठीक है, तो ये जो रीजन है जो एरिट्रिया के जस्ट नीचे है, जिसको ये हल्का हल्का ये लाइट लाइट से इसका पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं टिग्रे रीजन, यही है टिग्रे रीजन। ठीक है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए एरिट्रिया के जस्ट नीचे है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसकी बाउंड्री को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही पूरा टिग्रे का रीजन है। ठीक है, ओके, तो अब है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ था। ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी इतना बड़ा हो चुका है, इसकी कहीं ना कहीं जो हल्की फुल्की शुरुआत थी, जो आग की जो चिंगारी जो लगी थी, वो
कहीं ना कहीं सितंबर में लग चुकी थी। सितंबर में ऐसा क्या हुआ था, सितंबर में थे आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले थे टिगरे के रीजन में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि COVID-19 पैंडेमिक की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, इस इन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया। उनका ये कहना था कि COVID-19 की वजह से जो ये लॉकडाउन लगा है, जो ये पैंडेमिक जैसी पैंडेमिक जो स्थिति उत्पन्न करी है, इसकी वजह से हम लोग अभी इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं, हम इसको बाद में कंडक्ट करवाएंगे। तो टिगरे की जो अथॉरिटीज़ थी, इसके अपोज में उतर के आई जो लोग थे वहाँ के, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने कहा कि ये जो है अबी अहमद ने एक्सक्यूज़ दिया है, ये एक ठीक है, वो इस एक्सक्यूज़ के थ्रू वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को हथियाना चाहते हैं, ठीक है, विच इज़ क्वाइट अनडेमोक्रेटिक, ऐसा उनका कहना था टिगरे की अथॉरिटीज़ का, ठीक है। और अगर हम टिगरे की अथॉरिटीज़ और टिगरे की जो मतलब जो लोग हैं, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ के, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में अगर हम जाने ना कि कब से ही इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब कब से इनकी तनातनी चल रही है, तो 2018 से ही, जब से प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद ने कार्यकाल अपना संभाला था, अपनी कार्यभार संभाला था, जब से ही इनके बीच में थोड़ा तनातनी चलती हुई आ रही है, ठीक है। और अगर टिगरे रीजन को अगर हम इथियोपिया के बाकी रीजन से कंपेयर करें, तो टिगरे का जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है, काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस है, ठीक है, और इट हैज़ अ वेरी वेल ट्रेंड आर्मी, इसके पास खुद की एक वेरी वेल ट्रेंड आर्मी भी है, ठीक है। और एक बार मैं आपको गवर्नेंस के बारे में बताऊं, पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे होती है वहाँ पे इथियोपिया में, जैसे हमारे देश में इंडिया में क्या होता है, स्टेट्स होते हैं, वैसे ही वहाँ के इथियोपिया के जो 10 रीजन है ना, उनके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, मतलब वो लोग फ्री हैं कि वो लोग अपने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे वो लोग मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह के वो लोग प्लान्स बनाएंगे, ठीक है ना। दे हैव फुल इंडिपेंडेंस, फुल फ्रीडम, उनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उनके पास रेफरेंडम करवाने का भी राइट है। रेफरेंडम कैसे, रेफरेंडम को पता है क्या होता है, रेफरेंडम में मतलब कि किसी भी एक टॉपिक पर जो है पब्लिक से वोटिंग करवाई जाती है, पब्लिक से वोटिंग में करवाई जाती है, और अगर पब्लिक ने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के फेवर में मेजोरिटी में वोटिंग कर दी, तो फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करा जाता है ग्राउंड लेवल पर, उसको फोर्स में लाया जाता है, ठीक है। तो उनके पास ये पावर भी है, तो इतनी पावर तो फिर टिगरे के पास भी थी। टिगरे उन्हीं कुछ रीजंस में से एक है। तो जब प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद की गवर्नमेंट आई, तो आने के बाद उन्होंने टिगरे के काफ़ी ज़्यादा हाई ऑफिशियल्स को डिसमिस कर दिया, और डिसमिस करने का उन्होंने क्या रैशनल दिया, क्या रीज़न दिया, उन्होंने कहा कि जो जितने भी ऑफिशियल्स को हमने डिसमिस किया है वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट थे, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो करप्शन के अगेंस्ट में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी वो लोग अपनाते हैं, ठीक है। हम करप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट में, हम करप्शन को बिल्कुल भी 1% भी नहीं सहेंगे, ठीक है। तो इसको जो टिगरे के ऑफिशियल से उन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसको बताया कि अबी अहमद ये क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है अपोजिशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यहीं से ये सब कॉन्फ्लिक्ट होना किसी ना किसी रूप में चलता ही आ रहा है। तो अब क्या ऐसा हुआ है कि जो सितंबर में थोड़ा बहुत ये इलेक्शंस के लेकर इनकी मतभेद जो हुए थे, उसके बाद अब एकदम से जो है ये मतलब वॉयलेंस पे उतर आएंगे, मतलब अटैक और आर्म कॉन्फ्लिक्ट एकदम से स्टार्ट हो गया। तो ऐसा क्या हुआ था, तो अब ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक स्टेटमेंट निकाला गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो फेडरल आर्म फोर्स जो कि टिगरे में बेस्ड है, जो कि वहाँ पे उसको स्टेशन करा है, जहाँ पे उसको डिप्लॉय किया गया है, तो वहाँ पे जो किया, वहाँ पे उनके बेस में TPLF ने घुस के उनके आर्टिलरी, उनका असला बारूद और उनके जो कुछ इक्विपमेंट्स, उनको चुराने की कोशिश करी, ठीक है। और फिर अपना मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा प्रकट करते हुए PMO से ये भी स्टेटमेंट निकला कि जो TPLF है उसने अब लाइन क्रॉस कर दी है, और उसने अपनी हरकतों की वजह से हमें फोर्स कर दिया है कि अब उनके साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब था जो यहीं पे स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ से जो है एक वॉयलेंट फेज स्टार्ट होता है इस कॉन्फ्लिक्ट का। अब मैंने आपको बताया था कुछ इश्यूज के बारे में, बताया था मैंने आपको कि इथियोपिया में पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा कुछ छोटे छोटे इश्यूज भी चल रहे थे। वो कौन कौन से छोटे छोटे इश्यूज थे उसके बारे में हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो कोरोना वायरस आपको पता है कि कोरोना वायरस जब पूरी दुनिया में आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आई। सबसे बड़ी तो ये थी कि कंट्री का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम था उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ गया, ठीक है। चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, हर कंट्री पे किसी ना किसी तरीके से कोरोना वायरस का इफेक्ट पड़ा ही पड़ा था, ठीक है। और एंड इथियोपिया इज़ नो एक्सेप्शन टू इट। तो फिर क्या हुआ कि जैसे कोरोना वायरस वहाँ पे इथियोपिया में आया, तो वहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे काफ़ी लोड पड़ा और कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखी गई। कैसे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, एंड जो आपका ग्रोथ रेट था वो नीचे आ गया काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें
इथियोपिया में देखने को मिली। तो ये तो हो गया आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और जून की बात है, जून में आपका एक इथियोपिया में एक आपका एथनिक ट्राइब है ओरोमो, ओरोमो उस ट्राइब के काफ़ी प्रोमिनेंट सिंगर थे हचालू हुंडेसा, उनका मर्डर हो गया। ठीक है, उनकी डेथ के बाद जैसे बहुत सारे वहाँ पे जून में हमें एथनिक क्लैशेस देखने को भी मिले, और इन क्लैशेस को गवर्नमेंट ने बहुत वायलेंटली डील किया, काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन देखा गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनको उनको डिटेन किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। और इसकी वजह से जो है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इथियोपिया की काफ़ी ज़्यादा कड़ी निंदा भी करी थी, काफ़ी ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म भी किया था। ठीक है, और अगर डोमेस्टिकली ये सिचुएशन अगर कंट्रोल में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं जो बाकी के जो रीजन है जैसे ओरोमिया जैसे अमारा, तो इनका भी जो है ट्रिगर वाला हाल कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि फिर ये भी जो है अपनी डिमांड लाएंगे कि इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। ठीक है, और जिसकी वजह से जो इंटरनल डिस्ट्रप्शन है कंट्री का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे कैसे पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपकी एक कंट्री आती है एरिट्रिया, तो एरिट्रिया पे कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एरिट्रिया का आपको पता है कि एरिट्रिया के और इथियोपिया के रिलेशंस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर जब अभी अहमद जब 2018 में आए तो उन्होंने आने के बाद रिलेशंस को नॉर्मल किया, जिसके बाद उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो क्या हुआ कि बेशक इथियोपिया की गवर्नमेंट ने पीस डील उनके साथ साइन कर लिया, उनके साथ पीस एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन जो टिग्रे का रीजन था जिसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री एरिट्रिया से लगती है, उसका माइंडसेट अभी भी वही रहा जो कि प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद के आने से पहले था। कैसे? क्योंकि जब 1998 और 2000 में जो वॉर हुई थी इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में जो वॉर हुई थी, उसमें जो ज़्यादा ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था TPLF से, वो अब जो हैं वो टिग्रे की पैरामिलिट्री फोर्स में अब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने कर लिया तो गवर्नमेंट ने अपने पीस स्टेशन एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन जो टिग्रे के लोग जिन्होंने अपनी सेवा दी थी जो पैरामिलिट्री में है उन टाइम पे जो वॉर लड़के आए थे, तो उन लोगों ने तो अपने कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मित्रों की मृत्यु देखी होगी, अपने नियर एंड डियर वंस को उन्होंने खोया होगा, जिस वजह से उनके मन में अभी भी इतना आक्रोश इतना रिसेंटमेंट है। तो इसी वजह से जो है टिग्रे का रीजन जो है वो अभी भी इतना प्रो एरिट्रिया नहीं है, वो अभी भी एंटी एरिट्रिया है। वहाँ का जो माइंडसेट है वो अभी भी वही है जो कि प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद के आने से पहले था। तो हमने एरिट्रिया की बात कर ली, हम सूडान की बात करते हैं। सूडान आपको पता है सूडान भी एक देश है जिसकी बाउंड्री किससे लगती है, इथियोपिया से लगती है। ठीक है, लेकिन वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से थोड़ा सा अलग है सूडान, लेकिन इसकी बाउंड्री जरूर इथियोपिया से लगती है, काफ़ी लंबी बाउंड्री इसकी लगती है। ठीक है, तो आपको पता है सूडान अभी थोड़े दिनों पहले भी काफ़ी न्यूज़ में था डिस्प्यूट की वजह से, एक डिस्प्यूट था इसका सूडान का और जिसमें इथियोपिया और इजिप्ट भी शामिल थे। क्यों थे? क्योंकि एक आपको पता है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसिस डैम बन रहा है। ठीक है, जिस जो डैम बनेगा आपका ब्लू नाइल के ऊपर, ठीक है, इसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को जरूर बता देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा कि क्या था ये पूरा डिस्प्यूट जिसको लेकर ये तीनों देश आपस में आमने सामने हुए थे। ठीक है, तो इसके ऊपर इनकी पहले जो वाटर शेयरिंग था इस ब्लू नाइल का, इसके ऊपर इनकी एग्रीमेंट नहीं हुआ इनका। तो अब जो है कि अब जो लोग जो थे जो टिग्रे से भाग के गए शरण के लिए, जिनको शांति चाहिए थी, जिनको कॉन्फ्लिक्ट से डर लगा, वो लोग भाग के कहाँ गए? वो लोग भाग के गए सूडान, सूडान वो लोग भाग के चले गए। तो जिसकी वजह से जो है सूडान भी इस डिस्प्यूट के पिक्चर में कहीं ना कहीं आया, और अगर वो और ज़्यादा पिक्चर में आते तो कहीं ना कहीं जो पहले के जो कॉन्फ्लिक्ट है ये डैम वाले कहीं ना कहीं ये भी पिक्चर में आएंगे और फिर इमर्ज होकर कहीं ना कहीं कुछ अलग ही इनका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो जब वो लोग भाग के गए तो उसके बाद जो हमारे इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद जी, उनका ट्वीट भी आया, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे देश के लोग जो भाग कर गए हैं नेबरिंग कंट्रीज में वो प्रिपेयर करके वापस आ जाए, हम लोग अपने अपने देशवासियों को प्रोटेक्शन देंगे, हम लोग उनको बचाएंगे, हम लोग उनको ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी देंगे और कहीं ना कहीं हम लोग शांति भी जरूर स्थापित करेंगे, ऐसा उन्होंने उनको आश्वासन दिलवाया। अब कंक्लूजन में देखेंगे हम, कंक्लूजन में क्या है। ठीक है, अगर कंक्लूजन में हम यही देखेंगे कि अगर एक बात देखिए आप, हमने अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमने सूडान का हमने एंगल कवर कर लिया, हमने एरिट्रिया का एंगल हमने कवर कर लिया, हमने किसका नहीं किया, जिबोटी का हमने एंगल अभी कवर नहीं किया। ठीक है, तो जिबोटी का एंगल इसमें कंक्लूजन वाले हम स्लाइड में कवर करेंगे। कैसे? क्योंकि आप देखिए कि अगर ये वोलेंस जो है अगर ये बढ़ के इथियोपिया के बॉर्डर से बाहर जाता है तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फैलेगा, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका जिबोटी भी आता है। जिबोटी एक काफ़ी छोटा देश है लेकिन इसमें मिलिट्री बेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कंट्रीज़ के इसमें मिलिट्री बेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, और तो अगर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फैल के उसमें भी जाता है जिबोटी में,
तो और अगर किसी देश की मिलिट्री फोर्स को अगर ये किसी तरीके से अफेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश की मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर यूएस और चाइना की मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व हो गई तो आपको पता है यूएस और चाइना का आपस में एक कोल्ड वॉर जैसा अभी सिनेरियो चल रहा है, तो यूएस एक साइड को पकड़ लेगा, चाइना एक साइड को पकड़ लेगा, मतलब दोनों अलग अलग पक्षों में हो जाएंगे, अपने अपने पक्षों को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा भारी रूप ले लेगा और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस इससे हमें देखने को मिल सकती है, काफ़ी बुरे प्रभाव हमें इससे देखने को मिल सकते हैं इस बात की वजह से। तो कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो है ये आपके यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात की चिंता की होगी जब भी उन्होंने ट्वीट किया होगा और सबको रिक्वेस्ट किया होगा जल्दी से जल्दी वो है शांति की स्थापना करें। वो ट्वीट फिर से देख लीजिए जिसमें वो बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, काफ़ी ज़्यादा उनको चिंता है जो टिग्रे में भी सिचुएशन उत्पन्न हो रखी है, ठीक है। और उन्होंने यही कहा है कि जो इथियोपिया की जो स्टेबिलिटी है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। और वो उन्होंने सभी पार्टीज़ को ये कहा है कि जल्दी से जल्दी डीएस्केलेशन करने की कोशिश करें और जो जिसने भी डिस्प्यूट हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करें, ठीक है। सो दैट इज़ इट गाइज फ्रॉम टुडे, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब अचीव आईएएस।